हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँ। और वीडियो आज मैं कोई ऐसी वीडियो नहीं है, आज है ये पंचर सीलेंट के ऊपर जो आती है ना, फॉर्मूला एक्स जेल आती है, तो फॉर्मूला एक्स डालने जा रहे हम क्लासिक 350 में। तो आज मैं आपको उसमें डाल के इंस्टॉल करके दिखाऊँगा कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है। कई लोगों की दिक्कत होती है कि कई लोग डाल नहीं पाते हैं फॉर्मूला एक्स की, डलता नहीं है भैया। तो आप अगर आपके पास एयर प्रेशर हो तो आप घर पर भी डाल सकते हो। तो मैं आपको एक बार ले चलता हूँ बाइक पे, ऑलरेडी मैं डाल रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे प्रोसेस क्या क्या होता है, डाल के दिखाता हूँ। और कौन सा पैक किस में डलता है, आगे वाले फ्रंट टायर का पैक दूसरा होता है और बैक टायर का पैक दूसरा होता है। तो मैं आपको ले चलता हूँ बाइक पर और सीधा चलते दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, ये है अपना फॉर्मूला एक्स का डब्बा, देखिए। अब इसको अगर इसमें से क्या क्या निकलता हूँ आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए, फ्रंट टायर में डाल रहा है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 500 ml का पैक होता है, ये होता है रियर टायर का अपना। देखिए, रियर टायर 500 ml, ठीक है। ये फ्रंट टायर का भी डाल रहा है। अब देखिए, इसमें इंस्टॉल करने के लिए कि रोलर आता है, वॉल पे लगाने के लिए नोजल आती है जो यहाँ से यहाँ तक। ये फ्रंट टायर का देखिए, 325 ml का फ्रंट टायर, ठीक है। ये एक स्ट्रीक आती है जो मतलब अगर बाई चांस इसमें अगर ये जाम हो जाए तो इसको ऐसे साफ़ करके फिर डालना आपने। और ये वॉल खोलने का वॉल बूटी आती है इसमें, फॉर्मूला एक्स है। अब ये आपको डाल के दिखाता हूँ कि ये डाल, देखिए अगर ये फंस जाए तो अगर आप इसे क्लीन कर सकते हो। देखिए, ये आपको ऐसे लगाना है इसको। और ये देखिए, ये ऐसे करके कुछ ये जो लगा रहा है, देखिए अभी ये कर ऐसे लगाना आपको। और ये रोलर से आपको ऐसे हल्के हल्के हाथ से घुमाना है। अभी देखिए, सारा जो जेल है वो आ रहा है, ये देखिए, ये देखिए, देखिए। अब ये अपनी जेल फ्रंट टायर में बिल्कुल परफेक्टली सारी चली गई है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें जेल जो फॉर्मूला एक्स है ये काम कैसे करती है। ये देखिए, ये फॉर्मूला एक्स, ये जो देखिए, ये जो टायर की साइड्स वॉल होते हैं, ये इनमें काम नहीं करेगी। जो आपका ये जो एरिया है ना, बस ये वाला एरिया काम करेगा बस खाली, क्योंकि ये जेल है। अब ये देखिए, जेल डल चुका है। अब हम इसमें एयर डाल रहे हैं। अभी आपको बताता हूँ कि क्लासिक 350 में आपको एयर प्रेशर कितना रखना होता है। ये देखिए, अभी इसमें 50 के आसपास है। अभी हम 28 या 30 के बीच में रखना है बस। अभी थोड़ा सा और कम करते हैं, ये देखिए, थोड़ा सा और दिखाना। ये देखिए, देखिए 28 के आसपास है, ठीक है। इतना ही रखना आपको फ्रंट टायर में। चलिए अब बैक टायर में डालते हैं, फिर दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए पीछे का जो वॉल का ढक्कन होता है उसको निकालना है। फिर इसके अंदर की जो वॉल होती है वॉल को खोलना है। देखिए, देखिए सारा एयर प्रेशर ड्रेन कर लेना आपने। सारा एयर प्रेशर ड्रेन हो गया, अब हम इसमें डालते हैं। तो देखिए गाइस, अब हम लगा डालने जा रहे हैं। देखिए, फिर आपने ड्रेन करने के बाद देखिए, ये आपको कुछ ऐसे लगाना है बस इसमें। और उसके बाद इसको हाथ से प्रेस करना है आपको। देखिए, जैसे प्रेस कर रहे हैं, ये देखिए प्रेस हो रहा है। देखिए सारा इकट्ठा हो रहा है, बस ये हमने रोल किया। और ये देखिए, सारा का सारा चला गया। देखिए 500 ml वाला था जो, ये हमने पीछे बैक टायर में, रियर टायर में डाला है। क्लासिक 350 है, देखिए। और ये जिस भाई की बाइक है वो, ये उनका चैनल है, अगर आप चाहो इनको भी फॉलो कर लेना। ये इनका इंस्टाग्राम आईडी है और ये यूट्यूब चैनल का आईडी है, तो आप फॉलो कर सकते हो। भाई भी अच्छी अच्छी वीडियो डालेंगे, अब आपको फीडबैक भी बताएंगे इसका राइड करके, वो भी आएगा, वो भी वीडियो डालेंगे, तो आप इनको ज़रूर फॉलो कर लेना।
अब देखिए इसमें एयर डाल रहे हैं हम रियर टायर में। अब मैं आपको एयर प्रेशर बताता हूँ कि रियर टायर में कितना एयर प्रेशर होता है। ये देखिए अभी 30 है, थोड़ा और डाल लो। अभी 35 या 32 के बीच में रहना चाहिए रियर टायर में। देखिए 40 हो गया है, अब इसको कम करेंगे थोड़ा। बस 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 सही है। अब देखिए दोनों टायर में हमने डाल दिया है। अब आपको इसकी कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं, जिसमें जैसे कि हम देखिए अब इसको क्या करना है आपने कि 10 से 12 किलोमीटर जो है ये आपको आई थिंक 30 या 35 के बीच में रनिंग करना है, जिससे क्या होगा ये फॉर्मूला एक्स जो जेल होती है ना वो जेल इसमें कोटिंग करेगी ये टायर के बीच में। ये देखिए इस एरिया में कोटिंग करेगी ये। अगर स्पीड में चलाया तो ये फैल जाएगी, काम नहीं करेगा। तो इसको खास करके आप ध्यान दें कि ये 10 से 12 किलोमीटर 30 या 35 के बीच में रनिंग करना आपने बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें टायर फार्मूला एक्स कौन कौन सी बाइक से कहाँ डल सकता है। फार्मूला एक्स सब बाइक आता है, स्कूटी हो गया, बाइक्स होगी, रॉयल इनफील्ड की हर बाइक, मतलब कोई भी बाइक हो सबके लिए आता है। और आपको बताता हूँ कि फार्मूला एक्स डल किस सकता है। जैसे कि अब ये टायर चला हुआ है भाई का आई थिंक 5000 किलोमीटर, तो ये इस टायर में डल सकता है। अगर आपका टायर 50% तक है तो उसमें डल सकता है। अगर आपका 20% है तो नहीं डलेगा उसमें काम ही नहीं करेगा, क्योंकि जल काम ही नहीं करेगी। और देखिए भाई की गाड़ी चली आई थिंक 6000 कुछ किलोमीटर चल चुकी है, 6400। तो अभी टायर भाई के बिल्कुल नए ही है, पड़े समझ लीजिए नए ही पड़े हैं, बिल्कुल जयपर टायर ही है। तो अभी इसीलिए हमने इसमें डाला है, अगर नहीं तो आई थिंक जो ज़्यादा चली होती तो मैं 10-12 चली होती तो मैं भाई को मना ही करता था कि इसमें काम नहीं करेगी। तो गाइस देखा आपने, जैसा कि हमने हमें आपको दिखाया कि फॉर्मूला एक्स जो जेल होती है उसको डालने का क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे डालते हैं। तो मैंने आपको टोटली ऑल ओवर सब कुछ दिखाया कि एयर प्रेशर कितना रखना है आपको, आगे फ्रंट टायर में रियर टायर में कितना प्रेशर रखना है। तो मैंने आपको सब कुछ तो टोटली दिखा दिया है। और फॉर्मूला एक्स जो आता है हर एक बाइक के लिए आता है, आपकी स्कूटी होगी, चाहे स्प्लेंडर होगी, चाहे FZ होगी, चाहे पल्सर, सारी बाइकों के लिए, मतलब सारी बाइक्स के लिए आता है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, चाहे आप ऑनलाइन मंगाओ, चाहे किसी से भी डीलर से ले लो, चाहे हमारे पास भी मिल जाता है। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। ठीक है।